नमस्कार दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सबने भी बड़े वाले मॉड्यूल्स देखे होंगे या फिर सुने होंगे, मतलब कि 500, 540, 550, 600 से ऊपर वाले मॉड्यूल्स भी आज की डेट में मार्केट में आ चुके हैं। बट द ओनली थिंग इज़, क्या ये सोलर मॉड्यूल्स यहाँ पे यानी कि हमारे देश में बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो कौन कौन उसे बना रहा है। इनफैक्ट कई लोगों के मन में ये डाउट भी आता है कि कहीं ये वाले मॉड्यूल्स भी बाहर से सीधा लॉकडाउन कंडीशन में तो नहीं इंडिया में आ रहे हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ चेक करने हम आज नोवासिस की फैक्ट्री में आए हैं, जो कि नागपुर में स्थित है। और जैसा कि आप मेरे पीछे मॉड्यूल देख सकते हैं, ये 540 वॉट पिक का उनका लेटेस्ट मॉड्यूल है, जो कि आपका 10 बस बार में है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे M10 वाले यानी कि 182 mm का जो सेल है वो इस्तेमाल हुआ है। टोटल बस बार्स अगर काउंट करेंगे तो 10 है, और ये अगर डायमेंशन चेक करेंगे तो ये 91 का होता है और ये 182 का होता है। अब ये पूरे मॉड्यूल में 72 सेल यहाँ पे लगे हुए हैं, 72 सेल यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि अगर इसे हम देखा जाए तो ये बेसिकली यहाँ पे कट सेल्स की मदद से ये मॉड्यूल बना है। अब हाइट देखिए, ऑलमोस्ट मेरी हाइट से तो ज़्यादा ही है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट विड्थ ज़्यादा है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये उसका वजन है। अब ये वाला सोलर मॉड्यूल यहाँ पे कैसे बनता है, आइए वही मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि भाई एक सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए उसमें कई कंपोनेंट्स लगते हैं, मतलब कि आपका ग्लास आ गया, आपका UV शीट आ गया, आपका बैक शीट आ गया, आपका एल्युमिनियम फ्रेम आ गया, आपके कनेक्टर्स आ गए, आपका जेल यानी कि जो उसको सीलेंट्स होते हैं वो भी आ गया, और सबसे मेन कंपोनेंट है, जी हाँ, दैट इज़ सोलर सेल। तो ये जो आप जो सेल देख रहे हैं, ये 182 mm यानी कि M10 का सेल है। हाँ, ये मोनोक्रिस्टलाइन मल्टी बस बार, इसमें 10 बस बार आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ ऐसा आता है, सिंगल सेल इसे बोलते हैं। अब चूंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखा तो मैं इसे टच नहीं करूँगा, क्योंकि इसका इंप्रेशन भी इसी पर चढ़ जाएगा। तो ये कुछ सेल जो आता है स्टार्टिंग में वो इस तरीके से होता है, और हमें चूंकि अपना जो मॉड्यूल बनाना है तो उसमें कट सेल की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम इसी सेल को बीच में से कट करेंगे। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो बाकायदा सेल को लेती है, पोजीशन करती है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं लेज़र कटिंग की मदद से इसे सेंटर में एकदम सेंटर टू सेंटर इसको कट कर दिया जाता है लेज़र से। और वो वाले ब्रैकेट में आप देख सकते हैं बाकायदा वो बीच में से जो कट होके जो सेल्स हैं वो वहाँ पे पोजीशन हो जाते हैं। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि भाई जो सेल हमें रॉ पोजीशन में इस तरीके से मिला था, उसे हमने कट करके अपने जो मॉड्यूल है उसके लिए हमने रेडी कर दिया है। अब ये 182 mm ऐसा है और 91 ऐसा है। अब ये चीज़ जाएगी आपकी मशीन में। तो ये वाली मशीन बेसिकली क्या कर रही है कि भाई यहाँ से सेल्स ले रही है और उसे आपको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर रही है, और स्ट्रिंग्स से कन्वर्ट होने के बाद वो आपका मॉड्यूल बन जाता है। आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, ये चाइना की मशीन है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 3600 cells C। तो बेसिकली ये 3600 सेल्स को हर घंटे प्रोसेस कर सकती है। और हमें मालूम है कि भाई चूँकि ये मल्टी बस बार है, तो हम एक मॉड्यूल में 144 सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं कट सेल वाले। तो आप खुद ही डिवाइड करके देख सकते हैं कि आप फिर यहाँ पे कितने मॉड्यूल्स हर घंटे निकल सकते हैं। अंदाजन 28 से 29 मॉड्यूल हर घंटे यहाँ पे निकल सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टी बस बार है, तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे 10 बस बार्स हैं, और ये जो आप ये यहाँ पे पतले पतले धागे नुमा देख रहे हैं, यही वो बस बार्स हैं जो इन सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। टोटल 10 बस बार्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 बसिंग के लिए यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये जो है ये पूरे आगे जाएंगे, और वो मशीन एक एक करके पूरे सेल्स को आगे लेगी, फिर पोजीशन करेगी आपका बस बार एंड सेल्स को एक जगह पोजीशन करेगी। साथ में एक वहाँ पे एक फ्रेम भी आता है, जिससे कि भाई वो कोई पोजीशन या कहीं कोई गलती ना हो जाए, बाकायदा उसी जगह पे सोल्डरिंग हो, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये बेसिकली मशीन यहीं से 12-12 का स्ट्रिंग बनाती है। तो 12 होने के बाद साथ में आगे जाते ही वो यहाँ पे बाकायदा आपका सोल्डरिंग भी होता है, ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन भी है यहाँ पे। यहीं से वो जो बस बार है और जो आपका स्ट्रिंग्स हैं वो एक दूसरे से बाकायदा वहाँ पे सोल्डरिंग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो आपका स्टेंसिल रखा गया था, या फिर कह दे कि भाई फर्मा रखा गया था, जिससे कि भाई कहीं कुछ आगे पीछे हिले ना, तो वो चीज़ आगे निकाल ली जाती है, एंड धीरे धीरे
12 12 की स्ट्रिंग्स में ये मशीन से आगे निकलता है और जैसे ही 12 होता है तो वो 12 में कट हो जाता है। अब ये कट होने के बाद ये बाकायदा ये मशीन यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ पे एड ऑन हुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ यहीं पे आप इसका ईएल टेस्टिंग भी है, मतलब ये जो स्ट्रिंग बनी है उसमें कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं कोई सेल क्रैक तो नहीं हुआ, कहीं अलाइनमेंट मिसमैच तो नहीं है, कहीं कोई जो बस बार है या जो स्ट्रिंग उसके साथ सोल्डरिंग होनी थी कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो वो इसी स्टेज पे दिख जाता है। तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि भाई जो भी स्ट्रिंग्स आगे मॉड्यूल बनने के लिए जा रहे हैं वो सही में सही है, तो जो भी यहाँ से सही होगा वो ही आगे जाएगा, अगर कुछ गलत होगी तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रिवर्स के लिए चले जाएगा। अब एक एक करके स्ट्रिंग्स आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है आपका ग्लास और ईवीसी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबको ही मालूम होगा कि जो ग्लास इस्तेमाल होता है वो 3.2 mm का बोरोसिलिकेट का ग्लास होता है जो कि एंटी रिफ्लेक्टिव होता है और उसमें और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही में यहाँ पे ईवीए शीट भी डाला जाता है और ये ईवीए शीट बेसिकली आपका सेल और शीशे के बीच में होता है। तो अब यहाँ से ये ऑटोमेटिकली ये मशीन के अंदर जाएगा और जो ये आर्म देख रहे हैं रोबोटिक आर्म, वो एक एक करके जितने भी स्ट्रिंग्स बने हुए हैं 12-12 के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि बेसिकली 12 के 6 ऊपर रखेगा और 12 के 6 नीचे रखेगा, टोटल 72 सेल्स ऊपर से होंगे और 72 सेल नीचे होंगे, टोटल 144 सेल्स ये आर्म यहाँ पे पोजीशन करेगा। अब जैसे ही सेल्स पोजीशन हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका टेपिंग का। क्या होता है कि भाई ये सब एक साथ अलाइनमेंट बनी रहनी चाहिए, तो यहाँ पे टेप लगा के ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि भाई आगे वाले स्टेजेस में कहीं ये हिले ना। और जैसा कि हमें मालूम है कि भाई यहाँ पे जो आपके जो कनेक्शंस हैं वो बीच में से निकलेंगे, तो वो बीच में उतनी जगह छोड़ दी गई है जिससे कि आपका जो सीरीज कनेक्शन है वो उसका कनेक्टर्स वहाँ से निकल पाए। और यहीं इसी स्टेज पे आपका जो आपका RFID और जो आपका जो कनेक्शंस होते हैं आपका बस बार को कनेक्ट किया जाता है, सीरीज बनाया जाता है, वो यहीं पे कर दिया जाता है और जो भी एक्स्ट्रा जो पोर्शन होता है वो यहाँ से कट कर दिया जाता है। एंड कनेक्शन होने के बाद फिर आपका RFID टैग और आपका जो ब्रांडिंग है वो यहीं पे पोजीशन कर दी जाती है, क्योंकि लैमिनेशन के बाद ये सब कुछ किया जा नहीं सकता। और कनेक्शन होने के बाद फिर बाद में एक पीछे से आपका EVA शीट डाला जाता है और एक बैक शीट डाल दी जाती है, सो दैट ये अब ये आगे चले आए लैमिनेशन के लिए। अब लैमिनेशन होने से पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोला जाता है EL टेस्ट। ये होता है प्री EL टेस्ट। बेसिकली यहाँ पे हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाई जो भी मॉड्यूल्स के अंदर जो सेल्स लगे हुए हैं वो प्रॉपर हैं, कहीं कोई क्रैक नहीं है, यहाँ कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है, बराबर अलाइनमेंट है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये जो मॉड्यूल्स हैं वो लैमिनेशन के लिए जाती हैं। अब ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लैमिनेशन के बाद आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्या है कि भाई एक बार लैमिनेट हो गया तो उसमें अगर कहीं कोई डिफेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो सब आपका स्क्रैप में चले जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज़ प्री EL टेस्ट। और यहीं से हर मॉड्यूल गुजरता है और यहाँ से गुजरने के बाद वो जाता है आपका लैमिनेटर पे, यानी कि लैमिनेशन मशीन पे। अब ये जो आप लैमिनेशन की मशीन देख रहे हैं ये यहाँ से वहाँ तक ऑलमोस्ट कुछ 30 से 40 फुट लंबी है और बहुत ज़बरदस्त बिजली खाती है। ये कोई छोटा हमारे घर में जो या हमारे हम लोगों ने दुकानों में देखा होगा कि भाई हमारे हम सर्टिफिकेट को लैमिनेट करते थे, ये कुछ उसी तरीके से है। बट यहाँ पे लैमिनेशन के लिए जो साइजेस हैं वो 1 meter by 2 meter है या 1.2 meters by 2 meters के बड़े बड़े साइजेस हैं। तो वो जो हमारे पास रहते थे छोटे वाले लैमिनेशन, उसका ये बाप कह दें या दादा कह दें कोई गलत नहीं है। तो एक एक करके जितने भी मॉड्यूल्स हैं आगे इस लैमिनेटर में जाते हैं और ये पूरा जो टनल है ये इसके थ्रू होते होते आगे निकलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जैसा हमें सर ने बताया था कि भाई ये टोटल मशीन में एट ए टाइम 6 मॉड्यूल्स जा सकते हैं और अंदाजन कुछ 15 मिनट में ये पूरा 6-6 की जोड़ी निकलती है। तो 15 मिनट में आप पकड़ लीजिए एक मॉड्यूल बाहर निकलता है। और यहाँ से जब मॉड्यूल बाहर निकलता है तो बहुत ही गर्म होता है, तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे सब पूरा उसको ठंडा करने के लिए बाकायदा फैंस लगे हुए हैं और ये जब निकलता है तो पूरा ऐसा निकलता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि भाई आप ये सुनिश्चित कर लें जब भी मॉड्यूल मार्केट से ख़रीद रहे हो कि भाई वहाँ पे कहीं कोई पीछे से कोई बबल या कोई फुगा तो नहीं निकला हुआ है। अगर ऐसा होगा या अगर आपको ऐसा कहीं नज़र आए तो आप प्लीज़ वैसे वाले मॉड्यूल्स ना लें। क्या है कि दैट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वो स्ट्रेट वे आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप ना बोल सकते हैं और ये आपका हक है।
तो जिसके पीछे भी अगर कुछ बबल है या डिफॉर्मेशन है या ऐसा कुछ है तो आप वो चीज़ ना लें। फिलहाल आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लैमिनेशन होने के बाद आया तो ये कुछ चीज़ें बाहर निकली हुई आपको दिख रही होंगी। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है या जो एक्स्ट्रा लैमिनेशन से बाहर निकला हुआ है या जो फ्रेम से बाहर निकला हुआ है वो चीज़ यहाँ पे ट्रिमर की मदद से कट कर दिया जाता है और उसको प्रॉपर अलाइन कर दिया जाता है। अब इसके बाद आता है आपका विजुअल इंस्पेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट मतलब कि 50-60% मॉड्यूल रेडी है। ये वाली मशीन में विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है और देखा जाता है कि भाई कहीं कुछ और कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और यहाँ अगर कुछ डिफेक्ट पाया जाता है तो वहाँ से भी ये मॉड्यूल बाहर रिजेक्शन ट्रे में चले जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई क्वालिटी पैरामीटर्स तो मेंटेन किए ही जाते हैं, और जैसा कि हम सबको मालूम है कि भाई अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ऑटोमेशन का आप सहारा ले रहे हैं, तो आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये दोनों में निश्चिंत हो जाना चाहिए। क्या है कि भाई यहाँ पे जितना कम मैनुअल इंटरवेंशन हो, जितने कम मैनुअल चीज़ें हों, उतना आप क्वांटिटी भी एश्योर्ड रहते हैं और उतना आप क्वालिटी का भी एश्योरेंस पाते हैं। अब जैसे ही विजुअल इंस्पेक्शन हो जाता है मॉड्यूल्स आगे बढ़ जाते हैं फ्रेमिंग की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रेमिंग मशीन है, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ जो सेक्शंस हैं यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये जो सेक्शंस होते हैं अपने फ्रेम में वो इस मशीन में लोड कर देना है, सीलेंट को लोड कर देना है। ये मशीन खुद ही ऑटोमेटिकली ये चारों सेक्शंस को लेगी और खुद ही सीलेंट भरेगी एंड आगे जो अपना जो मॉड्यूल है उसमें पोजीशन भी करेगी। तो यहाँ पे भी फुल्ली ऑटोमेटिकली सब कुछ किया जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पे सब फ्रेम लग चुका होता है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है ये सीलेंट को सूखने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली आपको बता दूँ 4-5 घंटा लगता है। फ्रेम भी लग चुका है, मॉड्यूल ऑलमोस्ट रेडी है। अब बारी आती है आपका जंक्शन बॉक्स की। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये बड़े वाले मॉड्यूल्स हैं 500 540 प्लस। तो यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्सेस हैं वो बीच में लगते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक ये फीमेल कनेक्टर है, एक मेल कनेक्टर है। तो ये जो जंक्शन बॉक्सेस हैं विथ आपका 4² mm की DC वायर के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आपका कनेक्टर्स लग गए। उसके बाद ये जाता है आपका सन सिमुलेटर यानी कि जो टेस्ट कंडीशंस को पास करने के लिए। ये जो एक और है, आपको ही मालूम है कि भाई हम देखते हैं मॉड्यूल्स में लिखा रहता है 540 वॉट पिक अंडर STC। अब ये STC क्या है? वो होता है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में एक माहौल बनाया जाता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, एक प्रॉपर एम्बियंट होता है और एक फ्लो रेट होता है अपने विंड का। तो यहाँ पे बेसिकली वो पूरा माहौल बनाया गया है और यहीं पे हर मॉड्यूल की टेस्टिंग होती है, और हर मॉड्यूल के पीछे आपने देखा होगा एक टेस्ट सर्टिफिकेट लगा होता है जिससे बोला जाता है IV कर्व शीट। तो जो भी यहाँ पे जो सन सिमुलेटर का जो रिज़ल्ट निकलेगा वो उस IV कर्व पे दिख रहा होगा। अब उसके बाद एक और टेस्टिंग होती है, दैट इज़ हाइपो टेस्ट, दैट इज़ हाई पोटेंशियल टेस्ट। क्या होता है कि भाई हम चूँकि DC साइड में काम कर रहे हैं, DC साइड में काम हो रहा होता है, 1500-1000 वोल्ट्स ये सब वहाँ से पास हो रहे हैं, तो कहीं खुदा ना खास्ता कहीं गलती से कोई लीकेज हो जाए तो हादसा बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो उस चीज़ से ही बचने के लिए ये एक टेस्टिंग या हाई पोटेंशियल टेस्टिंग भी की जाती है। अब ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटीज़ हो चुके हैं, डिस्पैच के लिए मॉड्यूल रेडी है, लेकिन डिस्पैच से पहले हम एक और EL टेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट EL टेस्ट। अब ये पोस्ट EL टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लैमिनेशन से पहले एक EL टेस्ट हुआ था और वहाँ से यहाँ तक इसने कम से कम 4-5 बार या 4-5 स्टेजेस को क्रॉस किया है। तो कहीं इन स्टेजेस में कहीं कोई माइनर मिस्टेक हो गया हो या कहीं कोई क्रैक डेवलप हो गया हो या कोई मॉड्यूल में डिस्टॉर्शन आ गया हो, तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए एक पोस्ट EL टेस्ट होता है जो कि डिस्पैच से पहले किया जाता है। तो डिस्पैच होने से पहले ये चीज़ सुनिश्चित कर ली जाती है कि भाई जो भी मॉड्यूल्स मार्केट में जा रहे हैं वो एज़ पर टेस्ट कंडीशंस हैं, एज़ पर स्टैंडर्ड्स हैं, एज़ पर सर्टिफिकेशन है, और वो सही में सही मॉड्यूल्स मार्केट में भेज रहे हैं। तो फाइनल डिस्पैच से पहले जो EL टेस्ट था उसको होने के बाद यहाँ पे उनकी ब्रांडिंग कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर स्टिकर इस मॉड्यूल के पीछे चिपका दिया जाता है, जहाँ पे साफ साफ उसका PMAX वैल्यू, IMP, VMP और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज ये सब कुछ लिखा रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये BIS अप्रूव्ड है, मेड इन इंडिया है, और ये वाला जो मॉड्यूल है ये 545 वॉट पिक का मॉड्यूल है। तो ये सब होने के बाद
ये फाइनली जाता है पैकेजिंग के लिए। आप जैसा देख सकते हैं ये पूरा फाइनली ऐसे पैकेजिंग होगा। 500 वॉट पिक का मॉड्यूल है और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन, सारा ब्रांडिंग दे रखा है। और हाँ, एक अच्छी बात ये भी है कि भाई इस पैलेट के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सब का सीरियल नंबर और बार कोड यहीं पर दे रखा है। क्या होता है कि भाई आप जब भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये सीरियल नंबर और ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, इस कौन से मॉड्यूल्स लगे हैं साइट के ऊपर, ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। तो आपको हर इसे खोल के हर एक का मॉड्यूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये आपका जो पैकिंग लिस्ट है उसे रेफ़र करके भी देख सकते हैं कि आपके इसके मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा टूर जो हमने आपको कराया आज नोवासिस की फैक्ट्री में, जहाँ पे हमने आपको ये दिखाया कि भाई 500 वॉट पिक एंड 500 वॉट पिक एंड अबव, यानी कि ऑलमोस्ट 600 वॉट पिक तक का ये जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो आज की डेट में नोवासिस की फैक्ट्री में अवेलेबल है। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, 182 mm का जो सेल था, यानी कि M10 का सेल था, वो अभी चल रहा था। और उसी तरह 210 का भी जो सेल है वो इसी वाली लाइन पर चलेगा। तो इसमें कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सुनिश्चित होकर देखिए कि भाई आपको जो मॉड्यूल मिल रहा है वो सही में यहीं पे, यानी कि हमारे देश में मेड इन इंडिया है, और वो भी नोवासिस की फैक्ट्री पे। और हाँ, जो लोग भी नोवासिस के डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है। आपको बस वो फॉर्म भरना है और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डीलरशिप से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इनफैक्ट आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके ये सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, निश्चिंत हो जाइए, डेफिनेटली ये जो 500 एंड 600 सीरीज़ के जो मॉड्यूल्स हैं वो इंडिया में बन रहे हैं और यहाँ पे, यानी कि नोवासिस की फैक्ट्री में बन रहे हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ, इसी तरीके के सोलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इन्जॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।